प्रभास की अपकमिंग एक्शन फिल्म साहो में अनुष्का शेट्टी के बजाय श्रद्धा कपूर काम कर रही हैं। पहले इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी थी, लेकिन वजन कम ना कर पाने की वजह से अनुष्का शेट्टी के हाथों ये फिल्म चली गई। फिल्म बाहुबली की शूटिंग के दौरान अनुष्का शेट्टी के प्यार में पड़ चुके हैं प्रभास, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। खबर मिली है कि अनुष्का एक टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह प्रभास से पेश आती हैं। अपने बाहुबली को लेकर वो काफी पॉजिटिव हैं। प्रभास इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ काम कर रहे हैं, इससे भी उनका पॉजिटिव होना बनता है। अनुष्का के बाहुबली की फैन हो चुकी हैं श्रद्धा। ऐसे में जब भी आजकल प्रभास का फोन बजता है, तब अनुष्का प्रभास से पहले उनका फोन उठाकर सामने वाले के बारे में काफी पूछताछ करती हैं। लेकिन प्रभास अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का की इस बात से नाराज नहीं होते। उन्हें अच्छा लगता है कि अनुष्का उनसे बहुत प्यार करती हैं। बाहुबली प्रभास और देवसेना अनुष्का के लव अफेयर को लेकर खबरों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अब इनके बारे में एक दिलचस्प खबर आ गई है। 7 नवंबर को जब अनुष्का शेट्टी ने अपना 35वां बर्थडे मनाया था, खबर है कि बाहुबली प्रभास ने अपनी देवसेना को गिफ्ट में एक आलीशान BMW कार दी है। इसके अलावा 23 अक्टूबर को जब प्रभास ने अपना बर्थडे मनाया, तो देवसेना की तरफ से उनके लिए लाखों की डिजाइनर वॉच का तोहफा आया था। सूत्रों का कहना है कि प्रभास और अनुष्का जितना भी इनकार कर लें, लेकिन जिस तरह से बिना आग के धुआं नहीं उठता, उसी तरह से दोनों का रिश्ता दुनिया की नजरों से छुपाए नहीं छुपता है। खबर मिल रही है कि अनुष्का शेट्टी अब बाहुबली प्रभास से पूछे बिना कोई काम नहीं करती हैं। हाल ही में उन्हें करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन की फिल्म का ऑफर दिया था, लेकिन प्रभास के कहने पर देवसेना ने करण के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। दरअसल करण जौहर प्रभास को भी बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन प्रभास ने करण से फीस में 20 करोड़ मांग लिया था, जिसे करण जौहर ने देने से मना कर दिया। और अब जब बाहुबली ने करण जौहर के साथ काम करने से मना कर दिया, तो देवसेना ने भी उन्हें फॉलो करते हुए करण जौहर का ऑफर ठुकरा दिया।